विधानसभा चुनाव के पहले प्लूरल्स पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के 61 उम्मीदवारों में से 28 के नामांकन को चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद पार्टी के प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से दिया। जहानाबाद जिले के कुर्रे गांव में करंट लगने से 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजू कुमार नामक व्यक्ति बिजली के पोल पर चढ़कर तार को ठीक कर रहा था। इस दौरान बिजली सप्लाई होने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मोकामा से राजद प्रत्याशी अनंत सिंह के प्रधान चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। इस दौरान पत्नी व मोकामा विधानसभा सीट से उम्मीदवार नीलम देवी ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर अनंत सिंह के समर्थकों ने छोटे सरकार की जीत की हुंकार भरी। जहानाबाद के NH 110 पर हाईवा ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृत महिला की पहचान रेणु कुमार के रूप में हुई है, जो मध्य विद्यालय की शिक्षिका है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा में जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले 18 वर्षों से क्षेत्र में जल जमाव की समस्या बनी हुई है और इस मामले में स्थानीय विधायक भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। राजा टोला हरलाखी में पिछले 18 सालों से जल जमाव की समस्या है। हम लोग कई बार BDO को भी आवेदन दिए, CO को भी आवेदन दिए, हर आदमी को आवेदन देने के बाद सारा आदमी एक ही बात कहता है कि आप लोग कितना भी न्यूज बना लीजिए, कितना भी पेपर में दे दीजिए, हम लोग आए दिन पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, आप लोग से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग चुपचाप अपने घर बैठ जाइए। घर बैठने के बाद हम लोग को यहाँ इतना समस्या होता है सर, एक बार बारिश होता है तो 6 महीना पानी यहाँ पे जमा होता है। 6 महीना में सर यहाँ एक भी लड़की का शादी नहीं हो पाता है, बाहर का कोई भी बिरादरी इस गांव में नहीं आता है, बहुत सारा काम रुका हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग का सुनने वाला ही बिहार में है ही नहीं कोई। ऐसा लगता है कि हरलाखी पंचायत ये राजा टोला भारत के नक्शा में है ही नहीं है कहीं पर। अरवल जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर कलेर प्रखंड सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम पदाधिकारी अजय कुमार ने सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों के साथ चुनाव को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बिहार के बक्सर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आ रही है। दरअसल बक्सर में 5 साल के बच्चे की हत्या के बाद मां के साथ गैंगरेप किया गया। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।